हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। दोस्तों, चाइना के साथ चल रही मिलिट्री स्टैंड ऑफ के चलते अब इंडिया ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। इस मिसाइल सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ही डिजाइन और डेवलप किया है। DRDO द्वारा बनाई गई इस विश्वराड मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हेड कर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया है। इसी के साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के सपोर्ट में लगने वाले सभी इक्विपमेंट्स और साथ ही ब्रह्मोस लॉन्चर एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, जिन्हें शिवालिक क्लास शिप पर डिप्लॉय किया जाएगा, उन्हें भी अप्रूव कर दिया है। वहीं इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के साथ साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स के प्रोक्योरमेंट को भी अप्रूव किया है। अगर हम एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की बात करें तो ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की सबसे पहली लंबी और कॉम्प्लेक्स स्टेप है, क्योंकि सभी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अपने फाइनल ऑर्डर तक नहीं पहुंच पाती है। इसी के साथ अगर हम इस प्रपोजल पर ध्यान दें तो इस प्रपोजल में दो आर्मी और एक नेवी के लिए इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए करीब 4,276 करोड़ रुपीस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिन्हें बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के अंडर प्रोक्योर किया जाएगा। अपने इसी डेवलपमेंट को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, जो कि मेन पोर्टेबल होना चाहिए और जिन्हें बहुत ही आसानी से डिप्लॉय किया जा सके। और इन रिक्वायरमेंट्स को देखकर डिफेंस मिनिस्ट्री ने विश्वराड के प्रोक्योरमेंट को अप्रूव कर दिया है, जो कि एक रोबस्ट और क्विकली डिप्लॉयबल सिस्टम है, जिससे इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर हम इन जरूरतों को देखें तो पिछले साल इंडिया कई बार ईस्टर्न लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ बहुत बुरे क्लैशेस में फंस गया था। वही इसमें वो एग्जाम्पल भी है जिसमें चाइनीज फाइटर जेट्स का इन्वॉल्वमेंट भी था। इसी के साथ चाइना ने अपनी हरकतों को और बढ़ाते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स में डेडली ड्रोन्स को भी उड़ाया था, और इसीलिए चाइना की बढ़ती इन हरकतों को कंट्रोल में करने के लिए इंडिया को अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है जरूर बताइए, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।